तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लेना ग्रीष्म अवकाश 15 अप्रैल 2021 होने वाला है और दोस्तों ये चलेगा 13 जून 2021 तक। और हाँ, साथ में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जितने भी शासकीय और अशासकीय छात्रावास हैं दोस्तों, वो कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन के कारण आगामी आदेश तक बंद कर दिए जाते हैं। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट, 10th और 12th के छात्रों के जो प्री बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं वो आप है जो घर से ही आपको लिखना होगा और उसकी कॉपी आपको स्कूल में सबमिट करना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लेना, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल से ये पूरा अपडेट है दोस्तों। अपडेट है 13 अप्रैल 2021। जी हाँ, कल का ये अपडेट है दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2021। यहाँ पे आप लोग देख लेना दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पर वर्तमान कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों के लिए दिनांक 15/4/2021 से 13/6/2021 तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। और सेकेंड पॉइंट पे आप लोग देख लेना, कक्षा 1 से 8 तक की शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के लिए 15 अप्रैल 2021 से 9 जून 2021 तक ग्रीष्म अवकाश इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि संबंधित शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की पूर्णता होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा बोर्ड परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक अथवा अन्य शासकीय कार्य हेतु ड्यूटी लगा जाने पर अनिवार्यता उपस्थित होंगे एवं मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये भी 13 अप्रैल 2021 का ये पूरा अपडेट है। यहाँ पे विषय में आप लोग देख लेना, शासकीय एवं अशासकीय छात्रावासों को कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन के कारण आगामी आदेश तक बंद करने, यहाँ से विषय के संबंध में ये बताया। ठीक है, विभिन्न जिलों द्वारा जारी किए जा रहे लॉकडाउन संबंधित आदेश एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय का पत्र दिनांक 6/4/2021, इसके साथ आप लोग यहाँ पर देख लेना, कोविड-19 संक्रमण में हो रही लगातार वृद्धि के कारण कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन की स्थिति है, अतः समस्त शासकीय एवं अशासकीय छात्रावास तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं। छात्रावास में रहने वाले समस्त विद्यार्थियों को सकुशल घर भिजवाना सुनिश्चित करें। यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा संबंधित बोर्ड स्थिति माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE और ICSE इत्यादि के निर्देश के अनुसार आयोजित होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आप लोग देख लेना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रावास के विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका अपने घर के निकटतम शाला में जमा कर सकेंगे। ठीक है, और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में पूर्व में लोक शिक्षण संचालन से जारी पत्र क्रमांक 10/6/4/2021 के अनुसार कार्य भी यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आप लोग देख लेना, प्रदेश में संचालित नवोदय विद्यालय के भारत शासन के गृह सचिव से प्राप्त संलग्न क्रमांक 6 अप्रैल 2021 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों, ग्रीष्म अवकाश 15 अप्रैल यानी कि कल से लागू हो जाएगा, जो कि दोस्तों कब तक चलेगा अपना 13 जून तक चलने वाला है। ठीक है, और साथ में दोस्तों कोरोना कर्फ्यू के कारण जितने भी छात्रावास है सभी को आगामी आदेश तक बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी छात्रावास में छात्र है या फिर स्कूल के जो छात्र है उनके जो प्री बोर्ड के एग्जाम है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर स्कूल से भी आप ले सकते हैं और उसको लिखकर आपको उसकी कॉपी बनाकर स्कूल में सबमिट करना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही पूरा अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा भी मुझे इसके अलावा कुछ अपडेट मिलेगा तो इस पर जरूर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।